मैं आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। बिलासपुर से सबसे पहले बड़ी खबर की बात, स्कूलों से शिक्षक नदारद हैं और इस मामले में अब एक्शन लेना शुरू हो चुका है। बिलासपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, कुल 25 शिक्षकों पर गाज गिर गई है। इनमें से 3 टीचर्स को जहां सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं 11 के खिलाफ सेवा समाप्ति की अनुशंसा कर दी गई है, इनकी सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। इसके अलावा 9 शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, यानी कि विभागीय जांच होगी। बता दें कि स्कूलों में लंबे समय से ये टीचर्स नहीं पहुंच रहे थे, नदारद थे। कलेक्टर के निर्देश पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं, उन्होंने ये कार्रवाई की। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। उमेश, बड़ा गंभीर मामला है, अगर स्कूल में टीचर्स नहीं पहुंचेंगे तो फिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी और ऐसी कार्रवाइयों की जरूरत भी बहुत महसूस हो रही थी, अब जाकर विभाग जाकर। निश्चित रूप से देखिए, ये जो टीचरों पर गाज गिरी है, ये के कोई एक महीना, दो महीना या साल भर से नहीं, बल्कि 3-3 साल से स्कूलों से नदारद है। आप समझ सकते हैं कि लंबे समय से अगर शिक्षक स्कूल में नहीं पहुंचेंगे तो जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा कहां पर होगी। यही वजह है कि इन लोगों पर लगातार नोटिस जारी करके जवाब मांगा जा रहा था। चूंकि नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर जो कलेक्टर हैं अवनीश शरण, उन्होंने डीओ को निर्देशित किया कि तत्काल इनको बर्खास्त किया जाए, इनके विरुद्ध सेवा समाप्ति की अनुशंसा की जाए। इसके साथ ही विभागीय जांच के भी आदेश कलेक्टर ने दिए हैं। चूंकि ये केवल बिलासपुर ब्लॉक की बात नहीं थी, बिलासपुर, तखतपुर, कोटा, मस्तूरी, इन ब्लॉकों के लगातार जो 25 टीचर हैं वो पिछले 3 सालों से जो है नदारद थे स्कूलों से। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी टीचर थे जो लगभग 3 वर्ष पूरा होने वाला था, वो शिक्षक भी नदारद थे। तो ऐसे शिक्षकों पर निश्चित रूप से गाज गिरने जरूरी थी, क्योंकि शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाले स्कूलों में अगर टीचर ही नहीं पहुंचेंगे, पुजारी ही नहीं पहुंचेगा, तो बच्चा कैसे शिक्षित होगा, इस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई बिलासपुर में देखने को मिली है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। बलरामपुर में आकाशीय बिजली से मौत हो गई। आकाशीय बिजली से कोटवार की मौत हो गई। घर के आंगन में बिजली गिरी और कोटवार की जान चली गई। राजपुर थाना क्षेत्र के कुंदी कला गांव का यह मामला है। सूरज गुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सूरज, जानकारी दीजिए। जी पुनीत, मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के कुंदी कला गांव का मामला है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कोटवार की मौत हो गई। आपको बता दें कि आज मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली की चेतावनी भी जारी की थी, जिस दौरान ये कोटवार आकाशीय बिजली की चपेट में उस समय तेज आंधी तूफान और बारिश हो रही थी, तभी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रहा था, उस समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। तो घायल समझ कर तत्काल उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर लाया था, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। सुकमा में 6 नक्सली गिरफ्तार किए गए। टेकलगुड़ा आईईडी धमाका जो हुआ था, इस मामले में ये गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार नक्सलियों से विस्फोटक बरामद हुआ है। टेकलगुड़ा ब्लास्ट में 2 जवान हमारे शहीद हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों से विस्फोटक बरामद हुआ है और 2 जवान हमारे जो शहीद हुए थे अभी हाल ही में। सतीश चांडक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सतीश, जानकारी दीजिए। जी आपको बता दूं कि आज सुकमा जिले में पुलिस जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। 6 माओवादियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। उनके पास से आईडी और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये सभी कार्रवाई सुकमा जिले के थाना जयगुंडा क्षेत्र में हुई है और एक सूचना मिली थी पुलिस को कि उस इलाके में कुछ नकली मौजूद है और कुछ बड़ी घटना करने के फिराक में, जिसके बाद जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इस दौरान जो है फोर्स इलाके में पहुंची तो 6 संदिग्ध लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जवानों ने घेराबंदी की और उन सभी 6 लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। उनके पास जब जांच की गई तो उनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई और उन्होंने स्वीकार की कि टेकलगुड़ा पिछले कुछ महीनों में कैंप खुला था, वहां पे आईडी ब्लास्ट करने में ये लोग शामिल थे। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दंतेवाड़ा से खबर, 17 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले माओवादियों में 3 महिला नक्सली हैं। ये सभी कई नक्सली वारदातों में शामिल हैं।
भैरमगढ़ इंद्रावती कटे कल्याण एरिया में सक्रिय थे। बताएं कि अब तक 186 इनामी समेत 841 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। सुकमा में भी हार्डकोर नक्सली ने सरेंडर किया जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पीएलजीए बटालियन कंपनी में सक्रिय था, 2010 से नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था। ने आत्मसमर्पण किया है दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष। इसमें जो छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति और दंतेवाड़ा का जो सरेंडर को प्रोत्साहन करने के लिए लोन वराटू अभियान चलाया जा रहा है उससे प्रभावित होकर, साथ ही जो माओवादियों की विचारधारा है उनसे उनको उसमें नहीं विश्वास हुआ और उससे छोड़कर उन्होंने मुख्यधारा ज्वाइन करने का निर्णय लिया और यहाँ पर आके आत्मसमर्पण किया है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार लोगों में 2 बड़े नेता शामिल हैं। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। राजकुमार जांगड़े झारखंड से गिरफ्तार हुए तो राजकुमार सतनामी तेलंगाना से गिरफ्तार किए गए। सोशल मीडिया पर भड़काने के आरोप हैं। इस मामले में अब तक 148 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। रायपुर में बारिश के बीच प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का यह प्रदर्शन देखा गया। कार्यकर्ताओं का टेंट में प्रदर्शन देखने को मिला। कोतवाली के सामने हनुमान चालीसा का ये पाठ कर रहे थे और इनका प्रदर्शन दोपहर से ही जारी है। गौ तस्करी पर रोक लगाने के साथ ही गौ सेवकों पर जो कार्रवाई हो रही है इसका विरोध ये जताते नजर आए। बिलासपुर में बुलडोजर एक्शन के दौरान पथराव हो गया। ज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया। पथराव के दौरान बुलडोजर का कांच टूट गया। मौके पर मौजूद सरकंडा पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। चांटीडी के मेलापारा में 6 दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है जिसमें अब तक 600 से ज्यादा मकान जमींदोज हो चुके हैं। बाकी बचे झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने का काम चल रहा है। गौरेला में दिनदहाड़े युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात सीसीटीवी में कैद है। पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के झगरा खाड़ का। यहां पर युवती रंजना यादव स्टेट बैंक के पास खड़ी थी, तभी डकापोश एक युवक इस युवती के पास पहुंचा और चाकू निकालकर उसके ऊपर कई बार किए। युवती जमीन पर गिर गई। तभी भी युवक का पीड़िता पर हमले करता रहा लगातार। इस हमले में कुछ देर बाद युवती की मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी की तलाश में जुट गई है। अभी इसका विवेचना किया जा रहा है। तात्कालिक घटना है और घटना स्थल से जो भी जानकारी मिलेगा आपको अवगत कराया जाएगा। क्या जानकारी? अब किस व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित किया गया है इसके पता साजी के लिए पूरे जिले में टीम लगा हुआ है। नाकेबंदी भी किया गया है और बहुत जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। कवर्धा में 3 दोषियों को सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास की यह सजा सुनाई गई। अपहरण और हत्या के मामले में इनको दोषी माना गया। 2019 का मामला है जहां पर 9 साल के मासूम की हत्या हुई थी। विशेष सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। लोहारा थाने के बिरोड़ा गांव की यह घटना सामने आई। छब्बीस बारह 2019 की है कि मानसू राणा के अपहरण कर उसकी हत्या की गई थी। इसी मामले में आज माननीय सत्यभामा अजय दुबे के कोर्ट में आरोपी तीनों आरोपी को आजीवन कारावास क्रमशः धाराओं में अलग अलग धाराओं में सजा हुई है। लगभग सभी धाराओं में सजा हुई है आरोपी गणों को। सूरजपुर से खबर। रामानुज नगर थाने में एसीबी की टीम ने रेड मारी और एसआई को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पीड़िता से किसी मामले को लेकर 10,000 की रिश्वत ले रहा था। एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। एसआई का नाम माधव सिंह है। बिलासपुर की बात करेंगे जहां बेजुबान के साथ बेरहमी का सीसीटीवी सामने आया। कार सवार ने सड़क किनारे बैठी गाय पर जानबूझकर कार चढ़ाई
और जब एक बार में गाय नहीं मरी तो फिर दोबारा कार को रिवर्स लिया और गाय को कुचल दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। मामले में गौ सेवकों ने थाने में मामला दर्ज कराया, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर तुरंत कड़ी सजा देने की मांग की। रायपुर में खबर आई कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्रों ने धरना दिया। दरअसल जल और बिजली संकट से ये छात्र परेशान हैं और हॉस्टल के छात्रों को बिजली और पानी दोनों नहीं मिल पा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के छात्रों ने हल्ला बोल दिया। प्रशासनिक भवन के सामने इन्होंने धरना दिया। साफ सफाई करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। व्यवस्था करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। पानी की व्यवस्था करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। साफ सफाई करनी। धमतरी के भाटा गांव के स्कूल में अभिभावकों ने हंगामा कर दिया और जर्जर स्कूल भवन पर नाराजगी जताई। इससे पहले भी जर्जर भवन को लेकर हंगामा हो चुका है। प्रशासन ने भवन को ठीक करने के निर्देश दिए थे, 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जर्जर स्कूल भवन की मरम्मत नहीं होने पर फिर से छात्र के परिजन स्कूल पहुंचे और हंगामा कर दिया। इस संदर्भ में मैंने जानकारी लिया था अभी सप्ताह भर पहले आकर, तो मुझे जानकारी नहीं थी। रूटीन में था मेरा विजिट का, तो मैंने देखा कि वाकई छत का मरम्मत किया जाना अनिवार्यता मुझे लग रहा है, क्योंकि बच्चों को बैठने की स्थिति में नहीं है। आगे बढ़ेंगे। चिरमिरी में बारिश से पहले ही नगर निगम की पोल खुल गई। नालियों का पानी घरों में जा घुसा और नालियों की जाम होने की वजह से घरों में ये गंदा पानी जा घुसा। गंदा पानी घरों में घुसने से रहवासी परेशान हुए। छोटा बाजार के वार्डों में नालियों की सफाई नहीं की गई। बढ़ेंगे आगे। दंतेवाड़ा में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट हुई। बलरामपुर में भी तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। हमारा कल जल पर निर्भर है, लेकिन जब जल ही जहर बन जाए तो जिंदगी कितनी महफूज रहेगी, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम तो नहीं। मिनी भारत कहलाने वाले भिलाई में जल कई सालों से जहर बन रहा है और इस जल रूपी जहर ने न जाने कितनों की ही जान ले ली और कितनी ही जिंदगियां जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए जरा। जल के बिना जिंदगी संभव नहीं, लेकिन वैसे जल का क्या काम जिसे पीने से बीमारियां, वो भी खतरनाक वाली। भिलाई के पटरी पार वाले इलाके के खुर्सीपार क्षेत्र के 5 वार्ड का कुछ ऐसा ही हाल है। यहां के लोग जहर वाला पानी पीने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से इन्हें गंभीर बीमारियां जैसे पीलिया, डायरिया, डेंगू से लड़ना पड़ता है। कभी कभी तो इन बीमारियों से लड़ते लड़ते मौत भी हो जाती है। पानी तो एकदम काला आता है और ऊपर से इतना गंदा पानी आता है, गोबर पानी आता है ना, उसमें मुंह में तो लेने की तो बात छोड़ो, बर्तन पे लेने लायक नहीं रहता है। बहुत गंदा पानी आता है, कितने तरह के बीमारी भी होते हैं, पूरा कीड़ा मकोड़ा आता है, इसीलिए डर लगता है। पीने भी बहुत वो होता है। घरों में पानी ऐसा आ रहा था तक जैसे कि सड़ांध, बिल्कुल गंदा पानी, यानी बदबू भी देता था। हर साल यहाँ के पानी को पीकर दर्जनों लोगों की मौत होती है, लेकिन नगर निगम और भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के बीच झूलते इन क्षेत्रों की स्थिति को सुधारने वाला कोई नहीं है। यहाँ लाइन सफाई की समस्या है, सफाई नहीं होने की वजह से मच्छर पनपते हैं, डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं, लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार बस एक दूसरे पर जिम्मेदारियां थोप कर अपना पल्ला झाड़ते हैं। देखिए, बैक लाइन की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको पाइपलाइन को बदलने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक पाइपलाइन बदला नहीं है।
और साथ ही आप देखेंगे कि डायरिया हो चाहे पीलिया हो, ये हमेशा गंदगी पानी के कारण होता है। आपने बताया तो वाटर सप्लाई जो है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ किया है। हमने ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर पिछले वर्षों में केसेस आए हैं, वहाँ पर हम इंटेंसिव टेस्टिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ एक मेजर समस्या रहता है कि पाइपलाइन का लीकेज होता है जिससे गंदा पानी उस पाइपलाइन में आता है, तो लीकेज का इंस्पेक्शन जो है वीकली किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक साप्ताहिक रिपोर्ट दी जाती है। मिनी भारत कहे जाने वाले भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र होने की वजह से यहाँ कई राज्यों के लोग रहते हैं जो जहर बने जल को पीकर मौत के साए में जी रहे हैं। शुद्ध पेयजल जो हम लोग यहाँ पर देते हैं उसके लिए सुबह सुबह से लेकर शाम तक हम लोग सप्लाई के दौरान पूरा नियमित रूप से उसको निरीक्षण करते रहते हैं कि सबको सुसज्जित और सुविधापूर्ण और अच्छे से पानी मिल सके। इसलिए इसके लिए हम लोग प्रति सप्ताह महीने के हर सप्ताह में सप्ताह में दो बार उच्च गुणवत्ता पर पानी मिले इसकी सुनिश्चित करने के लिए उसकी लैब में जांच करवाते हैं। आंकड़े कहते हैं कि यहां की स्थिति बहुत खराब है। 2018 में खुर्सीपार क्षेत्र में डेंगू फैला, डेंगू से 50 लोगों की मौत। 2022 में छावनी क्षेत्र में डायरिया फैला, 400 से ज्यादा लोग चपेट में आए और 2 की मौत। भिलाई टाउनशिप में गंदा पानी सप्लाई की समस्या को लेकर 2 साल पहले आंदोलन हुआ। संयंत्र प्रबंधन ने स्थिति में सुधार लाया लेकिन अब भी टाउनशिप के कई क्षेत्रों में नलों से गंदा पानी आने की समस्या बनी है। डायरिया और पीलिया फैलने का सबसे प्रमुख कारण बजबजाती नालियों के बीच से जाने वाली जर्जर पाइपलाइनें हैं जिसे सालों से बदला नहीं गया। प्रभावित क्षेत्रों में नगर निगम ने अपनी व्यवस्था के तहत घरों के सामने से पाइपलाइनें लगाई हैं लेकिन वो भी नालियों के बीच से होती हुई जाती हैं। अब सोचिए ऐसे में इन पाइपलाइन से होकर जाने वाला पानी को पीकर मौत नहीं होगी, बीमारियां नहीं होंगी तो क्या होगा? अब जरा जिम्मेदार बताएंगे कि इन मौत और बीमारियों के जिम्मेदार कौन हैं? कब इस ओर ध्यान दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखते हैं।